Hello students, myself Mrs. Hemali Patel and I am your Gujarati teacher for standard first. Students, this is a cover page of our textbook. In last lecture, we start with our vowels or NR and we learn how to write it also. Today, again we will start O. We will start our reading with vowel O. Students, you have to repeat after me. A, ajgar no a. A, ananas no a. Next, a. A, ag no a. A, akash no a. Next, e, small e, chota e hai ye. E, istri no e. E, इमारत नो ई. नेक्स्ट, बड़ा ई. ई, ईद नो ई. ई, ईशु नो ई. नेक्स्ट, ऊ, छोटा ऊ. ऊ, उंदर नो ऊ. ऊ, उपवन नो ऊ. ऊ, उंदर नो ऊ. नेक्स्ट, बड़ा ऊ, मोटो ऊ. ऊ, उन नो ऊ. ऊ, ऊंट नो ऊ. स्टूडेंट्स, स्वर अ से अहां तक होते हैं लेकिन आज हम सिर्फ ऊ तक ही रीड करेंगे. अब हम फिर से अ से ऊ सारे स्वर रिपीट करेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्वर कौन सा था? अ. तो वापस से रीडिंग शुरू करेंगे. अ, अजगर नो अ. अ, अनानस नो अ. गुजराती में अ ऐसे लिखते हैं. ये है हमारा अ. नेक्स्ट वोवेल आ. ये है आ. आ, आग्नो आ. आ, आकाशनो आ. नेक्स्ट वोवेल ई. नानो ई. ई, स्त्री नो ई. ई, इमारत नो ई. मोटो ई. ई, ईद नो ई. ई, ईशु नो ई. नेक्स्ट, ऊ. नानो ऊ. ऊ, उपवन नो ऊ. ऊ, उंदर नो ऊ. नेक्स्ट, ऊ. मोटो ऊ.
उन्नो ऊ ऊंटनो ऊ। स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर हम इससे आगे रीड करेंगे। आज नोटबुक में गुजराती में अ और आ कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारी गुजराती की नोटबुक। आज पहला स्वर अ कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। पहले एक छोटा सा कर्व करके ऐसे राउंड कीजिए, फिर उसे आगे बढ़ाते हुए ऐसे लीजिए, फिर उसे टर्न कीजिए। जब इसे टर्न करेंगे तो ये सीधा ही होना चाहिए। फिर एक वर्टिकल लाइन खींच के ऐसे मरोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स, गुजराती में शब्द में मरोड़ आते हैं, सो हमेशा इस तरह से लिखते वक्त मरोड़ ज़रूर कीजिए। अ अजगर नो अ ऐसे बोल बोल के पूरे पेज पे लिखिए। अ अजगर नो अ अजगर नो अ अजगर नो अ। स्टूडेंट्स, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसे कर्व करके फिर उसे ऐसे टर्न कीजिए, उसके बाद इसे इस तरह से वापस टर्न कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया अ अ अजगर नो अ। इसके बाद हम देखेंगे आ। आ लिखने के लिए हम सबसे पहले अ लिखेंगे। आ आग्नो आ। सेम ऐसे कर्व करके थोड़ा कीजिए, फिर उसे यहाँ तक ले जाइए, फिर इसे टर्न कीजिए। टर्न करने के बाद एक लाइन खींचिए और उसके बाद एक और लाइन खींचिए। ये हो गया हमारा आ। आ आग्नो आ आग्नो आ आ आग्नो आ। ऐसे मरोड़ लाना ज़रूरी है। आ आग्नो आ लिखते समय इस दो लाइन में ही लिखना है। आ आग्नो आ। स्टूडेंट्स, कफ ऐसे टर्न, फिर ऐसे मोड़ना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करना है। ये है आ आग्नो आ। आज अ अजगर नो अ आ आग्नो आ, ये दो हमने देखा। फिर से एक बार अ दिखा दूं। ऐसे कफ टर्न कीजिए, ऐसे वापस से लाइन खींचिए और एक वर्टिकल लाइन, तो ऐसे अ के बाद आ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे सीखेंगे। पूरे पेज पे बोल बोल के अ आ लिखिए। ओके, थैंक यू।